यहां पे हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे और मीटर पर सेकंड को किलो आवर में कैसे चेंज करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि 90 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में क्या करना है, चेंज करना है। तो इसको चेंज करके देखिए क्या, सबसे सिंपल देखा कि 90 × 5/18 कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए 5 बार में, तो 50 मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत शॉर्ट तरीका है। इसके बाद एक एग्जांपल और, अगर एसी क्वेश्चन को हम लेते हैं कि आपके पास 25 मीटर पर सेकंड है, इसको आप किलोमीटर पर आवर में क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो कुछ मत कीजिए, इसको 18/5 से क्या कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए एक एग्जांपल और लेके देते हैं। यहां पर तो याद रखना है कि 18/5 कब लेना है और 5/18 कब लेना है, तो ये देखना होगा। तो अगर बड़ा यूनिट ले रहे हैं यानी कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदल रहे हैं, तो आप 18/5 लेंगे, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बदल रहे तो 18/5 लेंगे, अगर किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं तो 5/18 ले रहे हैं। इसे एग्जांपल के थ्रू यहां पे बताएं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको और माइंड में सेटअप हो जाएगा अच्छे तरीके से। देखिएगा अगर हम लेते हैं यहां पे 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदले, क्या बदले मीटर पर सेकंड, तो क्या करेंगे हम 72 को कहेंगे छोटा यूनिट है तो 5/18 से कट जाएगा, कितने बार में 4 बार में, 5×20 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब इसी को अगर हमको किलोमीटर बदलना होगा तो क्या करेंगे हम, तो हम इसको 18/5 से करेंगे, ये कटेगा कितने बार में 4 बार में, 18×72 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।